हल्द्वानी में दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जनहानि भी हो रही है। एक ऐसा ही मामला बरेली रोड गौड़ा पड़ाव से सामने आया है, जहां दो बाइक सवारों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें पीलीभीत निवासी एक युवक की मौत हो गई, जबकि हल्द्वानी के हिमालय फार्म बरेली रोड निवासी युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी में देर रात सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी लालकुआं पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 सेवा से अस्पताल भेजा, जहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के गौरा पड़ाव कुमाऊं मोटर ट्रेनिंग स्कूल के पास आमने सामने दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों घायल काफी देर तक हाईवे पर तड़पते रहे। स्थानीय लोगों ने 108 सेवा को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस और 108 सेवा दोनों को सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गई, जहां पीलीभीत निवासी राजेश की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बनी है, जिसका नाम सुमित बताया जा रहा है, जो हिमालय फार्म का रहने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाईवे पर अंधेरा होने के चलते दोनों बाइक आपस में टकरा गई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक हल्द्वानी में गौला नदी में गाड़ी चलाने का काम करता था, ऐसे में अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।